इन दिनों मराठा आरक्षण के पैदल मार्च का असर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिखाई देने लगा है। वहीं हाईवे पुलिस ने मुंबई ठाणे व नवी मुंबई जाने वाली भारी वाहनों पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि चिंचोटी चौकी के इंचार्ज पुलिस उप निरीक्षक विट्ठल चिंतामन ने बताया कि ये रोक तब तक रहेगी जब तक मोर्चा मुंबई नहीं पहुंच जाता है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समाज के हजारों लोग पुणे से पैदल मार्च मुंबई आ रहे हैं। इसी मद्देनजर हाईवे पुलिस ने मुंबई ठाणे नवी मुंबई जाने वाली भारी वाहनों पर गुरुवार को रोक लगा दी, जिससे ट्रांसपोर्ट मालिकों ने भारी नाराजगी है। बता दें कि घोड़बंदर से नायगांव पपाने ब्रिज तक यानी लगभग 10 किलोमीटर तक लंबे जाम की स्थिति कल सुबह से ही हाईवे पर बनी है। ऐसे में गुजरात राजस्थान जाने वाली बसें 6 घंटे देरी से चलने के कारण यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार हाईवे पर जाम की स्थिति नजर आ रही है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पुलिस ने ट्रक चालकों को नोटिस दिया है। चिंचोटी चौकी के इंचार्ज विट्ठल चिंतामण ने बताया कि सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत जैसे साग सब्जी व दूध वाले वाहनों को छोड़ा जा रहा है, बाकी सभी वाहनों को वापस भेजे जाने को कहा गया। लेकिन राजस्थान दिल्ली गुजरात व अन्य राज्यों से आने वाले ट्रकों को हाईवे के होटलों के बाहर 2 दिन तक खड़े रहने को कहा गया, जिससे होटलों के बाहर बड़ी संख्या में वाहन पार्क किए गए हैं।